So guys, all of you know my baby sister. Here she is, my cutie. She is here in Kolkata. Hi. So after a very long time, I am vlogging again today because मैं बीमार हो गई थी. First of all, 1 week मैं थोड़ा सा मेरे को cough and cold हो गया था, तो मैं film कर नहीं पाई. And when I recovered, मेरी जो baby sister है वो बीमार हो गई, बहुत serious बीमार हो गई थी. And everyone in the family was very upset with her situation. तो फिर condition रहा नहीं कि मैं film कुछ करूँ. मेरा भी condition वैसा हो गया and वो बीमार थी तो कुछ करने का वैसा मन नहीं कर रहा था. आई हैड फिल्म द वीडियो बट मैं एडिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मन से वो आ ही नहीं रहा था फीलिंग. सो आई टूक अ ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक. एंड अभी भी एक्चुअली अभी शी इज़ बेटर, विच इज़ लाइक अ रिलीफ. पूरा फैमिली अभी बेटर फील कर रहा है. सो शी इज़ हियर. बोला हाय. हाय. हाय करो. हाय. कैमन अच्छो. कैमन अच्छो. थैंक यू. स्टील खेल. हेलो, की खर्च. सो फिर उन लोग को मतलब जल्दी से कोलकाता आना पड़ा फॉर द ट्रीटमेंट. कोलकाता के ट्रीटमेंट हुआ है. नाउ शी इज़ बेटर देन अर्लियर. हमें एक रिलीफ हुआ है अभी थोड़ा, तो इसीलिए मैं सोची चलो ब्लॉक करते हैं. तो अभी उन लोग वो आज उन लोग का लास्ट डे है यहाँ. कल उन लोग चले जाने वाली है. तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है. थोड़ा बहुत ब्लॉक कर पाएंगे तो ज़रूर करेंगे. सो यही था अपडेट. आई वॉज़ वेरी अपसेट इसीलिए मैं ब्लॉक कर नहीं पाई. अभी मैं छत में उसको लेकर घूम रही हूँ. वो अभी नहा के निकली है तो थोड़ा सा विटामिन डी उसको चाहिए होगा इसीलिए. एंड दैट्स इट. मैं अभी नीचे जाके नहाने वाली हूँ. सो हम लोग जा रहे हैं अभी इको पार्क घूमने. अच्छा 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 दादा. ये है कोविड का स्टैचू. तो हम लोग पहुंच गए इको पार्क. यह है पिरामिड. ओए उसका बैलून फूट गया है. ये कोलोसियम ऑफ रोम है. ये है कोलोसियम ऑफ रोम और हम लोग आए हैं इको पार्क में. एंड मतलब घूम रहे हैं. ये सेवन वंडर्स बोल के एक जगह है जहाँ पे सेवन वंडर्स का रेप्लिका किया हुआ है, वही घूम रहे हैं. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. फिर से एक बैलून उठा लिया. ये दी तो ढुगा आशा. आई थिंक ये पेट्रा जॉर्डन है. आई रियली डोंट नो.
तो ये थे सेवन वंडर्स, आई थिंक यही लास्ट वंडर था। ये है कोलकाता में छोटा सा घूम स्टेशन, पूरा घूम हो गया। दिस इज़ द आफ्टरनून ऑन द नेक्स्ट डे। आज उन लोग अपने घर जाने वाली है, सो दोपहर को वी डिसाइडेड टू गो ऑन अ मॉल। हाय गाइस, सो बहन लोग के जाने का एक दिन हो चुका है, आई थिंक एक दिन ही हुआ है। हाँ, एक दिन हुआ है। और अभी मैं जा रही हूँ बैंक में, थोड़ा सा काम है वो सब करके आती हूँ। बैंक का थोड़ा सा काम है कंप्लीट कर लेती हूँ, तो आज मैं फिर से आज से फिर ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बीच में एक दिन का गैप था, उस दिन कल मेरा मम्मी का बर्थडे था, उसका डिफरेंट व्लॉग था जो मैं अपलोड कर चुकी होंगी, तो आप लोग ज़रूर उसको देख लेना। बहुत सारे टोटो और ऑटो से रिजेक्ट होने के बाद अभी जाके मैं पहुंची हूँ, एंड मैं बस में आई, इसीलिए मेरे बाल का हालत ख़राब हो गया। सो गाइज, मेरा बैंक का काम हो चुका है, एंड एक्चुअली मैं एटीएम भी कहीं, मतलब मेरे को एटीएम के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ा, तो वहीं से मुझे मम्मी ने बोला था कि पनीर लेते आना और थोड़ा सामान लेना आना, तो मुझे पनीर वहाँ अच्छा मिला, नहीं तो मैंने नहीं लिया, मैंने ये वाला लिया है सर्फ एक्सेल का। तो अभी मैं घर की तरफ चल रही हूँ। आजकल ना ऑटो मिलना इतना मुश्किल हो गया, तो ऑटो मिलता नहीं है, तो मैं अभी गिरता, ऑटो नहीं मिलता है तो बस से आना जाना करना पड़ता है, तो इसीलिए बहुत मुश्किल हो गया। और अभी मतलब बस में चढ़ना भी उतना सेफ लगता नहीं है, पर क्या करें, कोई ऑप्शन था नहीं तो बस में ही आना पड़ा। तो यहाँ पे भी एक दुकान था, वहीं पे गई थी, तो वहाँ पे भी मुझे मदर डेरी का पनीर मिला नहीं। यार क्या है, मेरे को फिर से उतना दूर चलना पड़ेगा। सो गाइस, मैं घर आ चुकी थी, एंड अभी मैं जाने वाली हूँ मेला। मैं नहा वगैरह ली एंड अपना लंच भी कम्प्लीट कर ली हूँ। मेला जाएंगे अभी, उसका मैं डिफरेंट ब्लॉग बनाने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखना वो वाला व्लॉग भी। सो हाय गाइज, तो कुछ दिन में मेरा एक मामा का शादी है, तो वही जाने वाली हूँ। देन आई विल स्टार्ट अ न्यू व्लॉग। मैं सोची थी मेहंदी लगा लूँगी, बट क्या हुआ, मेरा मेहंदी सूख गया, तो मैं इसीलिए व्लॉग का भी यही पेंट कर रही हूँ। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड इस वीडियो को लाइक करना। मीट यू ऑन द नेक्स्ट व्लॉग।